जहां महापौर मुनेश गुर्जर ने एक बार फिर हेरिटेज मेयर की कुर्सी संभाल ली है। और ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, महापौर मुनेश गुर्जर हेरिटेज नगर निगम पहुंची है और उन्होंने अपना पद दोबारा ग्रहण कर लिया है। महापौर मुनेश गुर्जर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद महापौर ने कार्यभार एक बार फिर से ग्रहण कर लिया है। हेरिटेज महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर ने कार्यभार संभाल लिया है और उप महापौर श्री असलम फारूकी व अनेक पार्षदगण विशेषाधिकारी और इस मौके पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जहां पर वो फिर से पदभार ग्रहण कर रही हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और इस मौके पर उप निदेशक जनसंपर्क मोतीलाल वर्मा भी मौजूद रहे। और ये लाइव तस्वीरें मुनेश गुर्जर की जहां पर एक बार फिर से अपना पदभार ग्रहण करने पहुंची है। हाईकोर्ट से राहत मिल गई उन्हें और इसके बाद में दोबारा उन्होंने अपनी कुर्सी संभाल ली है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मुनेश गुर्जर की और अब उन्हें हाईकोर्ट से पहुंच चुकी हैं अपने कार्यालय। उनके निलंबन के आदेश के रद्द होने के बाद आज एक बार फिर से वो ऑफिस पहुंची है, हेरिटेज के कार्यालय पहुंची है जहां पर पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर को निलंबित करने के आदेश रद्द कर दिए थे और साथ ही प्रारंभिक जांच भी पुनः कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से उन्हें उनका पद वापस मिल गया है। और बड़ी राहत मिलने के बाद अब एक बार फिर से अपने पद को ग्रहण करने आई। आपको बता दें उनका नाम घूसकांड में आ रहा था जहां उन्हें पूरी तरह दोषी माना गया था, लेकिन इसके बाद में अब हाईकोर्ट ने इनका निलंबन रद्द कर दिया है। रिश्वत मामले के जांच में प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए सरकार ने मुनीश गुर्जर को पद से निलंबित कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट से अब उन्हें राहत मिल गई है और एक बार फिर से उन्हें अपना पद वापस मिल गया। और अब देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर उनका स्वागत किया गया है और तमाम पार्षदगण उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और फिर से उन्होंने अपना मेयर का पद संभाल लिया है और ये लाइव तस्वीरें जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, तमाम पार्षद मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, महापौर मुनेश गुर्जर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मैम, आप तीसरी बार मेयर की कुर्सी पे आप बैठने जा रही हो, अपना पदभार ग्रहण कर रही हो। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ खुशी का माहौल है, सारे कार्यकर्ता, यहाँ के ऑफिस का जो स्टाफ है, मैम भी आपने मतलब एक मुस्कान भरा जो एक चेहरा है उसको लेके मतलब इनके एक आंतरिक मन से बड़ी खुशी हो रही है। तीसरी बार ये मेयर की कुर्सी संभाल रही है। मैं जानना चाहूंगा मैम, ये पूरा घटनाक्रम कैसे क्या रहा? देखिए, पहली बात तो मैंने जिस दिन पदभार ग्रहण किया था उस दिन के बाद से मैं ही मेयर हूँ। हाँ, कठिनाइयों भरा पल जरूर रहा, जो निगम से थोड़ी सी दूरी बनी, लेकिन मैं अपनी कुर्सी पे आज भी कंटिन्यू काबिज हूँ। जैसे आपने भी एक बयान दिया था, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले आपने कहा था कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है और आपके पक्ष में कोर्ट ने आपका फैसला सुनाया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हर व्यक्ति का न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास होता है और चाहे कहीं पे भी कुछ भी गलत हो, लेकिन न्यायपालिका में जाकर हर आदमी को आस्था होती है, विश्वास होती है कि वहाँ मेरा न्याय होगा। वो विश्वास मुझे भी था और निश्चित तौर पर ये सत्य की जीत है और जयपुर वासियों की जीत है, क्योंकि जयपुर वासियों ने मेरे लिए दुआएं की है, मुझे जो प्यार दिया उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जिताया है। मैं अपना पूरा जीत का श्रेय जयपुर वासियों को, मेरे वार्ड के लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को देती हूँ, मेरे पार्षदों को देती हूँ जो मेरे साथ हैं। आगे अब क्या प्लानिंग रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे मेन प्रमुखता से, मतलब किस तरीके से आगे की क्या रणनीति आपने अब बनाई? देखिए, मैंने कभी कोई छल कपट रणनीति से काम नहीं किया। मैंने कहा मैं सेवा करने आई हूँ जयपुर की और आज भी मेरा भाव सेवा का रहेगा और जहाँ भाव सेवा का आ जाता है वहाँ पर कोई छल कपट नहीं चलता। तो मैं जयपुर के जनता की सेवा करूंगी, सेवा के भाव से आई हूँ, जयपुर की बेटी बन के आई थी, जयपुर की बेटी बनकर जयपुर की सेवा करूंगी। जैसे आप ही की पार्टी थी, आप ही की पार्टी की सरकार है, उसके बाद में भी आपके ऊपर इस तरीके के एक्शन हुए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरे जयपुर को जग जाहिर है, इस पे मैं ज्यादा ना ही कहूँ तो ठीक है, लेकिन
मैंने पहले भी अपना कहा था कि मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी मैं अपना पक्ष रखूंगी और जो भी रहा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था मेरी पार्टी पे, पूर्ण विश्वास था मुझे न्यायपालिका पे और पूर्ण